हमारे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे शनिवार व्रत कथा। आज इस अंक में हम बताएंगे कि किस तरह शनिदेव की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश किया जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं। हमारे कर्मों का फल देने का पूरा कार्यभार शनिदेव पर ही है, लेकिन कई लोग शनिदेव को एक बुरे देवता के रूप में देखते हैं। शनिदेव अगर किसी को उसके बुरे कार्यों की सजा देते हैं तो उसके अच्छे कार्यों के लिए उसको अच्छा फल भी देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं शनि व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। सब ग्रह आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, अब आप ही फैसला करके बताएं कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र इससे घबरा गए और उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि मुझ में इतनी समर्थता नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा कह सकूं। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोध करेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसी अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने गुस्से में राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए शनि देव वहां से चले। अन्य देवता खुशी खुशी से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां अनेक सुंदर सुंदर घोड़ों के साथ आए। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दिया। राजा जैसे ही उस पर बैठा, वह घोड़ा तेजी से वन की ओर भागा। घोड़ा घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। तब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने खुश होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वही अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उन्होंने जल इत्यादि पिया और कुछ देर विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने के लिए खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा
कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बालों को हांकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चुरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनि देव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनि देव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमा आदित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को सभी दहेज सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप माला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो भक्तों, आइए जानते हैं शनि देव व्रत की विधि। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है। इस दिन काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनि देव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसी से इनकी पूजा होती है। शनि देव का स्तोत्र पाठ करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिवार का व्रत यूं तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अधिक मंगलकारी है।